दोपहर के 1:58, 2 बजने वाला है और आज है 24 मार्च 2022। अभी हमें सिविल लाइंस में और जा रहे हैं अभी अपनी जैकेट लेने के लिए। यमहा की मेरी जैकेट जो थी वो ड्राई क्लीनिंग करने के लिए हमने दिए थे, क्योंकि लास्ट संडे हम गए थे तो काफ़ी गंदी करके लाए थे और उसमें पहले से एक काला काला पैच था, उसको भी देखना है कि वो साफ़ हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि वो बोल रहे थे कि काफ़ी मुश्किल है उसको साफ़ करना, बट हो गया होगा, देखते हैं अभी चल के। हालांकि 200 रुपये भी लगता है जैकेट को ड्राई क्लीन करवाने के लिए। बाकी आज मौसम हमें थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है, हल्के हल्के आसमान में बादल हैं, धीमी धीमी धूप है, गर्मी कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और दिनों के मुकाबले काफ़ी कम गर्मी है। और अभी हम हैं सिविल लाइंस में और जहाँ पे हमें जाना है वो जगह थोड़ी सी दूर है। आजकल शहर में ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, कुछ कुछ जगह पर ऐसा लगता है ना कि रोड छोटी हो गई है और आबादी ज़्यादा बड़ी हो गई है, और जगह जगह पर पोर्ट होल गड्ढे वड्ढे इतने सारे हो गए ना कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। लेकिन किसी तरह गाड़ी तो चलाना ही है, अब उसमें गिरे पड़े आदमी सही रहे, मरे खपे जो भी हो, लेकिन आदमी का काम तो चलता रहता है। अब रोड वालों की हेडेक है, रोड वाले क्यों नहीं वो रोड बनाते हैं, उनको चाहिए कि सारी रोड अच्छे से बनाएं, अच्छे से मेंटेन रखें, कहीं भी गड्ढे वड्ढे पैचेस वैचेस ना हो। और आजकल तो हम देख रहे हैं काफ़ी आसानी से लोग रोड बना रहे हैं, जहाँ पे पूरी रोड कंप्लीट बनानी चाहिए वहाँ पर छोटे छोटे पैच लगा कर फुर्सत हो जाते हैं कई सालों के लिए, और वो पैचेस जो है ना कुछ ही महीनों में ख़राब हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, वो पैचेस बन जाते हैं और भी बड़े गड्ढे। तो ये सब चल रहा है, सिर्फ हमारे शहर में नहीं, हम और भी शहरों में घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो ये देखते हैं कि हर जगह का यही हाल है। गिने चुने शहर हैं, गिनी चुनी जगहें हैं जहाँ पर ढंग से काम होता है, और वो जगहें जो है ना के बराबर हैं। एंड वी आर जस्ट अराइविंग एट दैट प्लेस एंड द नेम ऑफ दैट प्लेस इज रॉक्सी, ROXY, रॉक्सी ड्राई क्लीनर्स। हमको लग रहा था पर्चा खो गया है, बट पर्स में पर्चा पड़ा हुआ था, तो पर्चा हम लेकर आए हैं, 200 रुपये देना पड़ेगा। यहाँ पे ड्राई क्लीनिंग कंप्लीट हो गई होगी, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे पास मैसेज आया था मोबाइल पर कि आपकी ड्राई क्लीनिंग पूरी हो गई है, और इनके पास जाके अभी कन्फर्म कर लेते हैं कि हो गई है कि नहीं हो गई है। भैया हो गया है ड्राई क्लीनिंग, जैकेट दिया था कि यमहा की राइडिंग जैकेट, यमहा लिखा था, यमहा। हाँ सर। A few moments later, वो पैच हट गया, एक ब्लैक कलर का उसमें लगा हुआ था धब्बा, नई जैसी हो गई, काफी क्लीन हो गया है। ये थोड़ा गंदा गंदा लग रहा है। हाँ ये इसका इसे एक कपड़ा है। नहीं वो साफ हो गया, यही कहीं था, यही होगा। नहीं ठीक है, काफी साफ हो गया। फाइनली जैकेट जो है हमारी ड्राई क्लीन हो गई है, तो जिस हिसाब से गंदी थी उस हिसाब से काफ़ी हद तक साफ़ हो गई है। और अब एक छोटी सी मुसीबत है इस जैकेट को अंदर फिट करना, क्योंकि अंदर पहले से कुछ सामान रखा हुआ है, अरे फिट हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा काम कंप्लीट, और अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे काम के लिए। और दूसरा काम है फिर से एक स्टिकर निकलवाना। कुछ दिन पहले हमने एक स्टिकर बनवाया था, लेकिन वो था मेरी शॉप का, और अब हमको बनवाना है अपना चैनल का, यूट्यूब चैनल का। पापा नंबर प्लेट पे। वेल अभी टाइम हो रहा है 3:15 और हमने स्टिकर बनने के लिए दे दिया है। जो हमारा स्टिकर वो बन के आ गया है, ग्रीन कलर का, काफ़ी अच्छा अच्छा लग रहा है स्टिकर, और हमने फौरन ही यहाँ पर चिपका दिया है। एक सामने चिपका है, एक पीछे साइड चिपका है, तो पीछे साइड तो ये चिपक गया है, और सामने जो चिपका है वो हमने मडगार्ड पर लगाया है, यहाँ पर सही लग रहा है। और अभी ये दो जगह लगाए हैं, बाकी हेलमेट पर लगाएंगे, और भी जगह लगाएंगे लेकिन बाद में, अभी दो जगह लगा दिया क्योंकि हमें
मन कर रहा था मेरा लगाने का, सो लगा दिया। बाकी अभी चलते हैं शॉप पे और देखते हैं वहाँ क्या है, देखते हैं वहाँ पर क्या सीन चल रहा है। नेक्स्ट डे, गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। अभी टाइम हो रहा है 5:15 और हम हैं सिविल लाइंस इंदिरा भवन में और अभी हम जा रहे हैं अपनी बाइक लेने। यहाँ पर हम एक सर से मिले थे, उनका नाम है विवेक सर और वो जो है राइडर है, काफ़ी पुराने राइडर हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड राइडर हैं। मतलब उनसे काफ़ी बातचीत हुई कि बहुत सारी जगह वो भी घूमे हैं। हमको उन्होंने बताया कि यहाँ यहाँ जगह जाया करो और मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस इंसान है। मतलब वो बोल रहे हैं कि अपनी बाइक दिखाओ कैसी बाइक है, तो अपनी बाइक के पास हम आ गए हैं और बाइक ले जाकर उनको दिखाते हैं और देखते हैं कि उनका क्या रिएक्शन होता है बाइक को देखकर। और बाइक मेरी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी खड़ी थी, इसका मतलब ये कि काफ़ी छेड़छाड़ हुई बाइक में। और ये हम अंदर जा चुके हैं और अब दिखाते हैं उनको अपनी बाइक। काम जाम इतना ज्यादा है हमारे पंडित जी, भैया इसी बाइक से 50,000 किलोमीटर चलने हैं। हाँ इसी से जाते हैं हर जगह। तो ये हैं विवेक सर। हाँ हमारा पोस्ट है, क्या बात है, पहचान में भी नहीं आ रहा, बहुत पुरानी है। काफी पुरानी फोटो है क्या ये? 4 साल पहले की फोटो है। अच्छा, पास में 1971 की बाइक है। ओ ये वो इलेक्ट्रा है ना? नहीं ये बुलेट आपका 1971 वाली है। ये आपको स्टैंडर्ड ये हमने स्टैंडर्ड फॉलो से लिया था, फिर हमने इसमें 1.5 लाख खर्चा किया। अच्छा, 1.7 तक पैसा पहुंच गया हमारा। हाँ, पूरा इंजन नया लिया, रिम नया लिया, क्योंकि 33 पहले की है, बाकी गाड़ी पूरी ब्रांड न्यू है और फ्लॉलेस गाड़ी है। ये है ये वाला ये वही हमने मतलब जुगाड़ लगा के ही किसी तरह से लगा दिया। ये तो बड़ा हो जाता है ना, तो पीछे का पूरा व्यू आ जाता है। कैमरा कैसे होल्ड होता है इसमें? इसमें कैमरा रखता है यहाँ से, यहाँ पर इधर देखिए, यहाँ पे इधर। हाय हाय, ये बता गए क्या कभी? जब आए तो पतला था, टीवी में देखे लाल हो गया। ये छोटा कैमरा लगता है ये वाला? अच्छा, GoPro। हाँ नहीं हमको तो चाहिए ये, इसका भी स्टैंड मिलता है ना, इसमें होगा मैप, रोड मैप होगा ना, तो हम लोग को बार बार देखने में दिक्कत होती है। अरे नहीं, अभी एक नया वाला आया है, वो थोड़ा सा क्या है कि पूरा सेफ है, ऐसे चारों तरफ से ऐसे पकड़ लेता है। हाँ ठीक है, वो यहाँ पर आ रहा है, थोड़ा सा ऊंचा करके आता है, वो मेटल का होता है। आपके शॉप में है? अभी मेरे पास नहीं, लेकिन हम मंगवा देंगे। ऑर्डर करो, आप उठा लेते हैं, हमको चाहिए। हम क्योंकि अभी हम दिल्ली गए थे ना, तो देखा था कई सारी जगह पे वो लोग रखे हुए थे। असल में बहुत लोग हैं जो ऊंचा खोजते हैं, क्योंकि हाँ हाँ तो समझ रहा हूँ, वो टैंक बैग आता है ना, तो फिर वो आड़े आ जाता है उसके। हाँ, 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 हाँ। तो टैंक बैग में आपके नहीं है क्या वो मोबाइल रखने का? टैंक बैग में भी मोबाइल रखने का आता है? हाँ पैकेट वही, धूप से ना वो रिफ्लेक्ट। हाँ 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 हाँ, अब वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे करना पड़ता है, तो ये हाँ ऐसे करने में एक्सीडेंट होने के चांस बनते हैं। हाँ हाँ, राइडिंग इतना लंबा लंबा राइडिंग होता है, तो उस पर चार्ज नहीं दे सकते। हाँ नहीं ठीक, ये भाई साहब हमारा सेटअप ये है, होता है कंप्लीट लोडेड जो होता है ना ट्रिप के लिए। हाँ खाना पीना केतली रहती है सब कुछ, चाय वाय पीना हो वही ये भी पूछ रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। तो ये मेरी बाइक का जायजा ले रहे हैं। 25,000 ड्रेस आती है। A few moments later. So ये रहा सीन, अब हम जा रहे हैं अपनी शॉप पर। तो जब राइडर की लाइन पकड़ लिया है ना, तो हर मोड़ पर हमको राइडर ही राइडर मिल रहे हैं, पुराने नए एक्सपीरियंस्ड अनएक्सपीरियंस्ड हर तरह के राइडर्स हमको मिल रहे हैं और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस हो रहा है, मिल रहा है। हर दिन कोई ना कोई ऐसा मिलता है जो इस चीज़ से जुड़ा हुआ है और काफ़ी लंबे टाइम से जुड़ा हुआ है। ये सब सीन है, आगे भी और सारे लोग मिलेंगे, जुड़ते रहेंगे, हमारा दायरा और बढ़ता रहेगा। इस बढ़ते हुए दायरे से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को कर दें प्रेस, ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और लाइट नहीं आ रही है। सो गाइज़,
मेरे ख्याल से बस यही थी आज की वीडियो, छोटी सी सिंपल सी वीडियो थी, ज़्यादा कुछ दिखाया दिखाया नहीं। सो गाइज, दिस इज इट, दिस इज दी ओवरऑल टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, यू कैन कमेंट ऑल्सो, यू कैन शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड जाना मुसाफिर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन